गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामराज सिंह आज नवीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। यह नवीं कक्षा का पहला वर्ग है जिसमें संस्कृत वर्णमाला को पढ़ना है। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ ई उ कहलन चहलन आदि। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद वर्णों के निम्नलिखित दो भेद हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अच स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं या किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। अ आ ऋषि दीर्घि ह्रस्व दीर्घु रि दीर्घि लि ए ऐ ओ औ। अब स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है। उच्चारण समय और मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और मृदु स्वर। ह्रस्व जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय अर्थात बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है, अ ह्रसी ह्रस्व उ री ली। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ दीर्घी दीर्घु दीर्घी ए ऐ ओ औ। कुल स्वर जब इसको पुकारा जाता है तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर दिया जाता है, जिसके उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे कुल स्वर कहते हैं, जैसे ओम हे राम आदि।